अच्छा तो आप सच बात बता दें येस जी अब ये तो सब क्या है हम दिलीप साहब से आपके बारे में पूछेंगे तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे आप इतने वेटरन और इतने अच्छे फिल्में हैं आपसे पूछेंगे आप भी उनकी तारीफ़ ही करेंगे क्रिएटिविटी की और आप बार बार मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके क्यों बोलते इतने पंक्चुअल वॉक करते थे ऑनिस्टी देखो एक्टर की उस जमाने में बैठा नहीं हो ना हाँ मैं डरता जाता हूँ कि मुझे कुछ सिखा रहे हो आप बट सच बात ये बताओ कि आपका और दिलीप साहब का एक्चुअल नाता क्या था किस वजह से दोस्ती थी ये सब तो क्रिएटिव बातें होगी जन्मली जो बताई थी आपने मुझे अब नहीं, है। नहीं नहीं है? सच बता दो हम दोनों को खाने का बड़ा शौक है और कोई रीजन नहीं था ना साथ में काम करने का कोई क्रेडिट ग्रेड़ रीजन नहीं, नहीं था, <laughs> नहीं था। <laughs> कुछ ग्रीड डॉक्टर मैं डॉक्टर कुछ नहीं <laughs> नया दौर में जाते थे वो बोलते थे देखो तुम शाम को आ जाना हम ठहरे थे वेटरनरी हॉस्पिटल में छोटे छोटे में मैं चिकन बनाऊंगा और तुम डायरेक्ट बोलते रहना मैं याद करता रहूँगा उसको हम चिकन खा लेंगे हम लोगों को बनाएंगे भाई चिकन ख़त्म हो गया हम तो ना मुझे याद है मेरी डाक की सिलूबली हुई बांद्रा टॉक्स में वो स्पीच कर रहे थे देखो भाई अच्छा डायरेक्टर या अच्छा एक्टर बनने का एक ही सीक्रेट है आदमी का शौक इतना खाने का <laughs> हम शूटिंग करते थे हम अठारह अठारह अंडे का ऑमलेट खाते थे अठारह अंडों का ऑमलेट खाते थे और एक जो रेसिपी आज भी मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है कि कीमे एक अंडर फ्राइड एग कीमा कीमा बनाओ हाँ उसके फ्राइड वाह तो वो कुछ टेस्टी बात है ये उनकी दी रेसिपी है लेकिन जो मैं असिस्टेंट था मेरे में बहुत इच्छा थी कि इतना ग्रेट एक्टर में इतने एक काम करो जब प्रोड्यूसर बन गया तो मैंने मशाल काम किया मैं आज भी फील करता हूँ वो जो सीन जब ही आफ्टर कार्स में भी भी बचा लो और दिलीप साहब को वो रात को चार बजे तक काम तो नहीं करेंगे नौ बारह एक दो बजे तक फोर डेज में एक सीन किया उसकी कंसिस्टेंसी उसकी परफॉर्मेंस लेवल आज भी कॉपी बुक परफॉर्मेंस कुछ अजीब परफॉर्मेंस होने वो जब से हम न्याय दौर में गए थे एज असिस्टेंट ही इज ट्रीटेंट बनाई के यंगर ब्रदर टू मी आई डो मेरे एडर ब्रदर आज फिफ्टी ईयर से ऊपर हो गए फिफ्टी सिक्स में दौड़ बनी थी फिफ्टी सेवन में रिलीज हुई थी आज फिफ्टी फाइव ईयर्स हो गए वही रिश्ता है का। काम करें या ना करें रिश्तों के रिश्तों में फासले काम से नहीं आते रिश्तों के फासले और भी आते हैं की मान जरूर साथ में खाएंगे

लेकिन uh, फिर भी यश जी चलते रहे स्ट्रॉन्ग और एक ही उनका विश्वास है जो मैं बार बार सुनता हूँ आप भी इंटरव्यू में सुन रहे होंगे कि जो दिल में आए सच्चे दिल से ऑनेस्टी से वो करो एंड देन केम कंप्लीट टर्न अराउंड फ्रॉम द काइंड ऑफ इंटेंस फिल्म जो आप बना रहे थे उस वक्त एकदम आपने अलग सा कुछ uh, दौर शुरू कर दिया और uh, लव स्टोरीज़ का दौर जो एक शुरू हो गया एंड द फिल्म दैट यू मेड वॉस चांदनी सो हाउ डिड दैट हैपन उसमें आपने मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी बताई थी उसके बारे में

मैं क्या कर रहा हूँ वट एम आई डूइंग आई एम मेकिंग इन सेम फिल्म बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक ए सक्सेसफुल फिल्म भी एक एक्शन फिल्म है कुछ लड़ाई झगड़ रहा है जो मेरे अंदर थी वो कहाँ चलेगी इसलिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहूँ लाइफ के साथ लोग बोलते हैं फाइट्स हाइलाइट्स होती हैं यार तो फाइट्स हाइलाइट्स होती हैं तो गाना भी हाई हो सकता है I knew I was making a film which is not for my heart. I knew I was making a wrong film for my mind, for my heart. But before I reached home, I decided no, I'll make a film in which I believe in a hardcore romantic film with nine songs that be nine highlights. And chuney'll make the film. But you had you had the honesty enough to realize that you were going wrong and maybe you were compromising. I was compromising because I was going I was trying to make a hit film. I was not trying to make a good film. The difference between good film and hit film is that you compromise in every step. I say, let me make my films on my own terms. It's a short history, maybe the picture was ready. It,

आप भी करिए अगर पैसे रिड्यूस करूंगा अगर पिक्चर हिट होगी तो कमीशन ज्यादा लूंगा आज भी वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ है पर लोगों की आते बदल जाती हैं

But next morning was a hit. Because I had made that film with total honesty. And I knew if Fight can be highlight, my song will be highlighted, highlight. And all the night songs will be highlights. Yes, they were. This how I made Chandani. After that, I didn't want to compromise in making a film. I say, you may make less films, make more films, it may make more money or less money. But your heart, your honesty should be there. एंड एंड आई वन कम बैक टू दोल क्वेश्चन ऑफ़ आप इतने कंजर्वेटिव फैमिली से हो जहाँ पे आपको डायरेक्टर बनने का शायद uh, चांस नहीं मिलता था लेकिन आपकी मदर ने uh, आपके भाई साहब ने हेल्प की मदर ने इतना इंक्रेज किया आप जैसा मैंने शुरू में बोला कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं फिल्मों के वो इतने अतरंगी क्यों होते हैं वो इतने uh, अब तो बोल्ड बोल्ड बोलते हैं देखिए यश जी की फिल्म है। लेकिन मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ फिर वो नहीं रहती हैं उनकी बेटी होती है फिर मैं उसकी बेटी से प्यार करने लग जाता हूँ वो भी मुझसे प्यार करने लग जाती है एक लड़की से प्यार करता हूँ दूसरी से भी करता हूँ फिर दोनों से शादी करके खुश खुश रहता हूँ और और एक अभी आप खुद ही बता रहे थे कि उसको मैं प्रेग्नेंट कर देता हूँ फिर वो भाग भी जाता हूँ मतलब कुछ अलग सा और भी हैं बहुत सारी तो आपके दिमाग में यू बींग सो कंजर्वेटिव

Conservative, love, gentleness, and then suddenly a topic yeah. which is. This word you use is honesty. is the honesty. Her human being is desire to be loved. Loved more and more, again and again. If somebody says, I've loved, and is somewhere telling a lie. <laughs>

मेरी पिक्चर में कोई नहीं होता रोमांटिक फिल्मों में आई बिलीव आदमी खुद हीरो है खुद ही विलन है डेस्टिनी है। मैंने खुद सोच लिया कि मैं इसे लव करूंगा ये मेरी चॉइस है ना मेरा डिसीजन है वो रॉन्ग भी उसका राइट भी हो सकता है और इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ मेक इन कम योर लाइफ अगेन You gain love, you gain that person. You're not being dishonest to anybody. But at that Destiny villain is a play. We're talking just now. You talk to a man living with two wives. If you have seen the film or if you remember the film, it is the destiny playing part. He's not doing anything wrong. This desire, this greed of love. It's Very, very complex thing. I don't, I'm not making film just to be bold for bold sake. Yeah. I've used the word, I want to make a different film. If a boy meets a girl, who loves them, some family pay, objections come, and they part of their love, this is no story. I can't do me. <laughs> this story has to be a bit different in shape of some characters coming in his life. एंड वो जो डिजायर वो कभी कभी उसको फील करता है यार नहीं यार अब कभी कभी स्टोरी में ही लव्ज द गर्ल बट टूडे को रिलीज हुआ है एट दैट स्टेज ही लवस द गर्ल ही पोएट अमिताभ बच्चन It's is a very, very risky subject. Because people think well, you have made big stars, you have make it, taken an easy path. I think I have taken different Absolutely. I have taken a difficult path also. I have spent so much money on it, so much names on it. The responsibility is too much on me. So We want to make a picture. Every time we make different picture.

but this, we whole things, thing is based on, <laughs> on love. It's, sometimes love is just you say boy and girl. no, there is a lot of things. i make a film. i love that for making it a film. you are working with me. you are not working with just someone. you are working that. i love that project. i want to be in it. and the project will release people. you know, shahrukh there. i Definitely. believe you should make different films.

पूरी फिल्म ही देखी मैंने वो हाँ उसका एक रीज़न है मैं मुंबई आ गया था फिल्मों में काम करने के लिए और मैं लम्हे पिक्चर देख रहा था मेरे दोस्त थे साथ में विवेक वासवानी जो मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और हम हॉल के अंदर पिक्चर देखने गए थे लम्हे एंड यू वॉचिंग एट एंड देन सडली माई सेक्रेटरी लेट अनवर ही हीम एंड उसने मुझे बोला यश जी जो है एक पिक्चर बनाने वाले हैं और उसमें लगता है तुम्हें कास्ट करने वाले हैं तो वो तुम्हें बुला रहे हैं तो मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा क्योंकि मेरा सिलसिला चल रहा था आपके साथ बहुत पहले विवेक सिनेमा से तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि आज बुला रहे हैं अभी बुला रहे हैं कि नहीं मैं लम्हे आधी छोड़ के आपके ऑफिस आ गया था आपसे मिलने के लिए सो दैट सेकंड पार्ट ऑफ लम्हे आई डिड नॉट वॉच बिकॉज ऑफ यू विच आई विल सी लेटर एंड वी मूव ऑन टू द ईयर्स ऑफ नाइन्टीज़ विच आई कॉल द मॉडर्न इरा ऑफ मिस्टर यश चोपड़ा बिकॉज उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई ऐसे टॉपिक्स पर फिल्में बनाई ऐसी अलग किस्म की फिल्में बनाई जो शायद यंगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ नाइन्टीज भी नहीं बना सके और शायद अभी नहीं बना सकते ही मेड अ फिल्म कॉल डर जिसके अंदर जो वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट्स Uh, he actually introduced the एक्चुअली इंट्रोड्यूसड आई the term protagonist. प्रोटेगनिस्ट uh, हीरो yeah, hero ही होता है Hindi film के अंदर सो द प्रोटैगनिस्ट वॉज काइंड negative, so to say, से uh, to make it simple और लेकिन फिर भी passionate था प्यार करता था फिर उन्होंने एक दूसरी film बनाई जिसमें पूरा जो dancing या गाने जैसे पिक्चराइज होते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत एक अहम हिस्सा है उनका पूरा एक टर्न अराउंड कर दिया ऐसे कोरियोग्राफर के साथ काम किया जिसने शायद पहले फिल्में कभी की नहीं थी शामक And everybody, I remember, before that film, used to say, yeah, hey, what is theatre, dance, pe film?" Yaar, ab to modern ho gaya. It was more modern than any existing uh, film on those subjects at that time. Dil pagal hai. Uske baad ek aisa subject jo I am sure Yesji himself must have passed in his age and his time. My father did the Partition, which is kind of forgotten for the uh, people of our era. He reintroduced and made people realize this cross-border love story through virza. So. ये इतनी अलग अलग किस्म की फिल्में 90s के अंदर उन्होंने बनाई आई 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 रियली थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस वंडरफुल फिल्म दैट इज मेड बिफोर दिस वॉज अूज चेंज अराउंड और इस चेंज अराउंड के अंदर एक चीज कॉमन थी लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा सही नहीं लगता है मुझे <coughs> भूल गए भूल रहे हो I, एक चीज कॉमन थी वो हाँ प्लीज क्या थी शर्फ oh. लेकिन तुम ये भूल रहे हो आप पूछा नहीं सवाल किसी ने मुझे आज तुमने बोला तो मुझे ख्याल आया मैं पूछना नहीं कह रहा था यू नो दैट मैं ऐसी गलती से निकल गया यू आर वर्किंग विद मी लास्ट ट्वेंटी इयर्स आई स्टार्टेड वर्किंग विद यू फ्रॉम डर टिल टुडे आई हैव नॉट सीन द हीरो कुछ कारण तो तुम्हें अगर ये गुमान है या वह है कि इसलिए कारण है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं मेरा खास कारण नहीं है शाहरुख तुम एक एक्टर हो बीस साल में जब मुझे मिले जिसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आपकी स्टोरी क्या है आदि नहीं लिखी है आपने लिखी है आप डायरेक्ट कर रहे हैं तुमने कभी ये सवाल नहीं किया आप मुझे पैसे क्या दे रहे हैं बल्कि अगर मैं लोगों को बताऊं किसी पिक्चर में तुमने एक पैसा नहीं लिया ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो लास्ट वीक में बिफोर द पिक्चर रिलीज आई सेंड यू चेक तुम्हारा नेक्स्ट फोन आता था जी जैसिक आपने पैसे ज्यादा ही भेज दिए यार मैं ऐसा तो नहीं किया मुझे याद है कि हम पिक्चर बनाते मैं तुम्हें बहुत गुस्से में फोन किया सारा तुम्हें पिक्चर बना रहा हूँ शुरू कर रहा हूँ तुम आके मिलते ही क्यों नहीं यार तुम बिजी हो माना पर मिलो सही तुमने मैं अभी आता हूँ फैसला कर देता हूँ तो मैं। तो मैं बोला जी मैं क्यों मिलूँ आपसे बोलिए मैंने आपसे क्या लेना है स्टोरी मैंने आपसे सुननी ने जो सुनिए आपके मैं काम कर रहा हूँ पैसे मैंने आपसे मांगने ने जो आप देंगे मैं ले लूँ मेरी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं आपके पीछे शुरू करूँगा उस दौरान में मैं, मैं और काम नहीं करूँगा जब आपके पीछे खत्म हो जाएगी तो मैं अभी क्यों मिलूँ आपसे कुछ चीज़ों में तबादला हो नहीं बोल रहा यू टोल्ड मी के ऐसी फिल्मों की पैसों की वजह से किसी और की वजह से मैं फिल्म नहीं करता हूँ फिल्म करता दिल से जब मुझे लगे मैं ये फिल्म कर रही है ये आदमी मुझे पसंद है जब आदि लिखेगा और आप डायरेक्ट करेंगे मुझे पूछने की जरूरत क्या है तुम्हें याद होगा कि जब वीर सारा बना रहा था मैं तो उन्होंने बोला हाँ कर रहे हो करेंगे करेंगे होते होते मेरी शूटिंग हो गई मैं सेट लग रहा था मैंने कहा शाहरुख पर सेट लगा हुआ फिल्म सिटी में तुम्हारा एक दिन का काम है अच्छा अच्छा अब फिक्स कर लीजिए जब बोले में आ जाओगे मेरी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में मैं उन्हें कि बोलेंगे मैं आ जाओगा मैंने कहते तरीके कल शूटिंग है अच्छा आ गया तुमने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी तुम आ गए क्या कपड़े हैं वो करण जौहर ने बताया क्या या क्या ठीक है सब सर बगी सेट पे आए वो एक गाने का एक अंतरा ही था आपको याद होगा कर लिया सब काम कहते आदि को बनाया देखो यार तुम लोग मुझे मरवा दोगे अभी तुमने आउटडोर जाना है सारा काम शुरू ना मुझे स्टोरी पता है, ना मुझे कैरेक्टर पता है, ना मुझे कपड़े पता वो तो बता दो आज लेकिन गाना मैंने ठीक ठाक गा दिया था फिर भी बहुत मतलब <laughs> आज तक हमें अगर हमारे पे कॉन्फिडेंस है और हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है तो इन सब पिक्चरों में एक याद गया तुम्हारे सात पिक्चर बनाएंगे सेवन

यश जी, जी जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां चुन चुन कर मेरे साथ फिल्मों में डालेंगे कुछ पैसा पूछना नहीं कुछ नहीं करना ऐसा खड़ा हो जाऊंगा मैं कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर लड़कियां आएंगी गले लगेंगे प्यार करेंगे उफ <laughs>